ओके जी, अब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज है जी 2 जनवरी और मेरा नाम असामा और ये तुबा। ओके गुड जोक। ये मैं हाल आपने नकी की नकल की है। मैंने नकल नहीं की यार, उसका स्टाइल मुझे पसंद है तो मैंने उसको शाउट आउट दिया। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे। वेल आज हम फिर से आउटिंग के लिए निकले हैं। वैसे तो ये प्लान हमने लास्ट वीक बनाया था लेकिन लास्ट वीक पे स्नोफॉल हो गई थी लास्ट वीकेंड पे, तो हम नहीं जा सके थे। तो आज हम जा रहे हैं दोबारा से, और आज हम फिर से उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं जिनके साथ हम लास्ट ट्रिप पर गए थे, जो आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा। और हमने प्लान बनाया था लास्ट वीक जाने का, जैसे कि तुबा ने आपको बताया, लेकिन इतनी स्नोफॉल हुई थी कि सारे रोड्स बिल्कुल कवर हो गए थे। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ पे रहते हुए अप्रॉक्सीमेटली 20 सालों से भी ज़्यादा हो गया, वो भी कह रहे थे कि हमने ऐसी स्नोफॉल इससे पहले नहीं देखी, इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं होती यहाँ पे। तो इट वाज डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए वी प्लान कि हम अगले वीकेंड पे कर लेंगे, इतना ख़तरा नहीं लेते हम। चांस नहीं लेते। आज हम कहाँ जा रहे हैं जी? आज हम जा रहे हैं जी ड्रमहेलर। ये अल्बर्टा का वो पार्ट है जहाँ पे एक बड़ा सारा डायनासोर म्यूज़ियम पाया जाता है, और ये फॉसिल्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत मशहूर है उन चीज़ों के लिए ये जगह। हम अनफॉर्चुनेटली आज म्यूज़ियम तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज कोविड की वजह से वो बंद है, लेकिन आउटडोर स्पॉट्स और बाकी जो अट्रैक्शन हैं जो कि देखने के लायक हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन में देखें। सो आज हमने पूरी तैयारी की है, हमने मोटी कैप्स, मोटे ग्लव्स सब को साथ रखा है। आज मौसम भी थोड़ा क्लाउडी सा है, सनी नहीं है ज़्यादा, तो लेट्स होप कि वहाँ पर बारिश वगैरह का सीन ना हो जाए। तो बाकी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, और मैं साथ साथ चेक कर रहा हूँ कि हम और हमारे जो दोस्त हैं वो आपस में कितने दूर हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने अपनी लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर की हुई है, और हम फिर ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी देर है उन्हें हमारे तक पहुँचने में। तो चलें आपको साथ साथ अपडेट करेंगे, तो हम उनका वेट करते हैं और मिलते हैं फिर। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और आपको नज़र आ रहा है रास्ते बहुत प्यारे हैं। तो आपको हम थोड़ी बहुत ड्रमहेलर से रिलेटेड हिस्ट्री बता देते हैं कि ड्रमहेलर 135 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलगरी है, और इसको तकरीबन पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाएगा हमें। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये इसको वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ डायनासोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के रिमेन्स की बहुत बड़ी कलेक्शन जो है वो मिली थी। और इस तरह से थी कि ये एक एक्सीडेंट था कि कोल को जो है वो डिस्कवर करने के लिए यहाँ पर खुदाई वगैरह की गई थी, तो यहाँ से रिमेन्स निकले थे डायनासोर के, तो उसके बाद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह करके तो इन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया, बहुत सारे डायनासोर के रिमेन्स मिले। और कहा यह जाता है कि ड्रमहेलर जो है वो इनिशियली एक ट्रॉपिकल लैंड थी, और यहाँ पर बहुत सारी तरह के प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए बहुत फेवरेबल जगह थी, जिसकी वजह से यहाँ डायनासोर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए और बहुत अच्छी हैबिटेट थी उनके लिए। तो फिर ये कहा जाता है कि आइस एज आ गई, और फिर यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह थे, और अब ग्लेशियर्स पिघले हैं तो यहाँ पर रिवर फ्लो करता है जिसको रेड डियर रिवर कहा जाता है। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको बोर नहीं करूँगी इस हिस्ट्री से, आप रास्ते इंजॉय करें, हम भी रास्ता इंजॉय करते हैं और मिलते हैं हम आगे जाके। नहीं आ रही थी कि स्नो शूज पहनूं या सादे पहनूं, शुक्र है स्नो शूज पहने जी बिल्कुल। सो जनाब हम पहुंचाए हैं हॉर्सशू कैनियन, और आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है बर्फ पड़ी हुई, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ वैसे एक्चुअली एक गैलरी है जहाँ पर रॉक आर्ट जो है वो होता है, लेकिन वो बंद है कोविड की वजह से आई गेस, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा साइट सीइंग करेंगे। ना बंदा है ना बंदे की जात है, हम ही हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि वैली कैसी लगती है यहाँ से।
आस पास अच्छी खासी हवा चल रही है, लेकिन हम लोग क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में तो यहाँ पे हवा नहीं है, तो ये कुछ हद तक एक न्यूट्रल जोन है हवा के हवाले से, बाकी काफी हवा चल रही है यहाँ पे। अगले व्यू पॉइंट पे चलते हैं। मुस्तफा पहली बार मेरे से खुश हुआ है। वो कह रहा है जान तो नहीं छुट्टी, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। जी तो फिर आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? ठंड लग रही है, नहीं मज़े का लग रहा है। और सीनरी कैसी लग रही है? हवा हवा है ज़्यादा, बाकी मौसम अच्छा है वैसे। हवा काफ़ी ज़्यादा है, शायद आप लोगों को माइक के अंदर हवा की आवाज़ आ रही हो ब्लो करने की। मुस्तफा को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कितनी हवा। हाँ, मुस्तफा को दिखाएं, उसका मुँह रेड हुआ हुआ है। और मुस्तफा जो है ग्लव्स पहनने से इनकारी है। तो समझ सकता हूँ कि उसके हाथ सब कितने ठंडे हाथ पकड़े हैं, इसके अंदर से गर्म है। पिछली बार में इस तरह मैंने पहन कर Oh,
ओके, अभी हम गाड़ी में आ गए, 1:30 बज रहा है और भूख लग रही है। अभी हम यहाँ पे हलाल पिज्ज़ा, एक शॉप है हलाल पिज्ज़ा की, एक शॉप है वहाँ हम जाके अब पिज़्ज़ा खाएंगे, होपफुली जो खुली भी होगी। ओ हाँ, वरना हमने बैकअप रखा हुआ है, हमने हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता हमने बैकअप रखा हुआ है। सो खाने के मामले में वी डोंट मेस अराउंड। हाँ जी, चले। अभी हम लोगों ने खाना शाना खाया था पीछे रुक के, और जिधर हम गए थे एक्चुअली वो जगह बंद थी, फिर हमें चीज़ पिज़्ज़ा लेना पड़ा था जहाँ पे अवेलेबल था। और इसके अलावा हमारा प्लान तो था कि हम लोग हलाल पिज़्ज़ा लेंगे, लेकिन वो शॉप बंद थी जैसे कि तुम्हारे बताया, तो हम लोगों ने एक चीज़ पिज़्ज़ा ले लिया पिज़्ज़ा हट से। अभी हम हुडूज़ देखने आए हैं तो आपको साथ साथ दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं वैसे तो। बताया हमें ये गया कि वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ बनता है और फिर हुडूज बनते हैं, तो हम भी सीखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे बनते हैं। ओके, चलिए हम जाके देखते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं। सूरज ये तो प्यारा लग रहा है पीछे। मजे के लग रहे हैं ये। अब लोग ना हाइक करके ऊपर तक जाते हैं, तो हम हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। हम तो इतने अच्छे हैं नहीं कि हम इतने ऊपर जाएं। हम जहाँ तक जा सकते हैं ये आप पकड़ेंगे जी। ठहर यार, मेरा तस्वीर फिर से। उसकी क्यों नहीं वीडियो बनाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट डायनासोर, वो कितनी हिस्टोरिकल। वो मैंने यार ऑनेस्टली याद नहीं रहा। नहीं नहीं, मैंने एंट्रेंस पे सिर्फ डायनासोर की वीडियो बनाई थी। हम गाड़ी में बैठ के देख रहे थे, हम वहाँ कैमरा ही नहीं लेकर गए थे। हम वहाँ से ना प्रॉपरली खाने का मूड बना के गए थे और कुछ नहीं लेके गए। सिर्फ डायनासोर की वीडियो मेरे पास है। प्रोजेक्ट अल्बर्टा नेशनल हेरिटेज। आप पेन ले फिर ये पकड़े। ये जो है ना, अब ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पे किसी चीज को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत उन्होंने जो है ना। ओके ओके, नाइस। ओके, यहाँ पर वैसे ऊपर हाइक करके जाना है, हम देखेंगे कि हम कितना ऊपर तक जा सकते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये अब आप पकड़े ना। यहाँ पे स्लश बनी हुई है बर्फ की।
सो थोड़ा आपको हुडूज के बारे में हम इन्फॉर्म कर देते हैं. ये आपको साइड पे जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये इनको हुडूज कहा जाता है और ये नेचुरल फिनोमेना से बनते हैं. यूजुअली इरोजन होती है वाटर विंड या इसी तरह कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो उसकी इरोजन की वजह से ये बनते हैं. और जो ख़ास बात है यहाँ के हुडूज की जहाँ हम आए हैं ड्रमहेलर में, ये क्रिटेशियस पीरियड में बने थे अबाउट 70 to 75 million years ago और ये बहुत ज़्यादा लाइक टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं इनकी खूबसूरती की वजह से. तो ये ट्रूथ है बिहाइंड दीज हुडूज. जी अभी हम यहाँ तो ऊपर नहीं जा सके क्योंकि रास्ता नहीं बना हुआ, तो ऊपर से शाम भी होने वाली है तो इट वाज डेंजरस कि हम ऊपर जाने की ट्राई करते. तो और नीचे बर्फ जो थी ना पिघल के काफी ज्यादा स्लश बनी हुई है, तो yes. जब हम कदम रख रहे थे तो बार बार स्लिपरी फीलिंग आ रही थी, तो फिर काफी स्लिपरी था, हम ऊपर नहीं जा सके. अब हम देखते हैं कि हुडूज होते क्या हैं, हम आपको साथ में अपडेट कर देंगे रास्ते में. और अभी हम जिस रास्ते से वापस जाएंगे वो सुना है साथ बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा रास्ता है, तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे साथ साथ में आपको भी दिखाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे. तो हम ये कोशिश करें कि शाम से पहले पहले हम उस रास्ते से गुजर जाएँ कि थोड़ी रोशनी हो ताकि हम देख सकें. तो लेट्स गो. तो जनाब हम वापस पहुंच जाए अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और बस हम अब इस वीडियो को एंड करना चाह रहे हैं. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमने तो बहुत बहुत इन्जॉय किया है, अब हम काफ़ी थक चुके हैं. वैसे अजीब बात है कि जब बंदे को ठंड लगती है तब बंदा थकता भी ज़्यादा है. एक्चुअली बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है ना गर्माइश प्रोड्यूस करने के लिए.
तो मैं तो काफ़ी थकी हुई हूँ, कल रात ठीक से सोई भी नहीं हूँ. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.